दोस्तों, कौन सा मनी किधर जा रहा है इसका भी ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। हाय दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, आज का माहौल देखिए कैसा है, चारों तरफ बारिश लगा हुआ है और बुनी भी पड़ रहा है। रात को भी थोड़ा बहुत बारिश हुआ था और अभी देख सकते हैं कि बुनी पड़ रहा है, पूरा मेरा गीला हो रहा है अभी। तो आज बारिश लगा हुआ है और ये देखिए नितेश भाई, हेलो फ्रेंड्स, इधर घूमने आए हुए थे तो अभी जा रहे हैं घर और बारिश हो रहा है तो इधर रुका गया हुआ है। दोस्तों, अभी 10 बजने वाला है और देखिए बारिश भी नहीं हो रहा है और पूरी तरह उबेर भी नहीं हो रहा है, तो देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, थोड़ा थोड़ा गीला हो गया है मिट्टी सब और अभी ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है, तो देख सकते हैं कि बारिश तो लगा हुआ है लेकिन थोड़ा कम है, अभी कम रहा है, सिर्फ मिट्टी अभी थोड़ा थोड़ा गीला हुआ है। देखिए, और ये देखिए राकेश भैया जा रहे हैं, हाय बोलिए। हाय हाय। देखिए दोस्तों, श्रवण पढ़ाई कर रहा है अभी। श्रवण, श्रवण क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, वाह क्या है। अभी इसको कुछ लिखने नहीं जाता है क्योंकि ये पढ़ने अभी नहीं जाता है। दोस्तों, आज फेरी में नहीं गया हूँ, सुबह बारिश लगा हुआ था तो आज देखिए। देखिए दोस्तों, क्या क्या लिखा हूँ, ये सारे आप लोगों को पढ़ के सुनाते हैं। दोस्तों, ये हमारा टाइम सेटिंग है तो सुनाते हैं पढ़कर। प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठना और सुबह 4 बजे से 5:15 बजे तक बुक रीड करना और 5:15 बजे से 6:30 बजे तक घूमना फिरना टहलना व्यायाम एक्सरसाइज करना। और दोस्तों, सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक काम के लिए अच्छा से रेडी होना, कपड़ा वपड़ा सजाना जो काम करते हैं उसके लिए अच्छे से तैयार होना। और 7:30 बजे से 8 बजे तक स्नान पूजा करना, खाना वाना खा के पूरी तरह रेडी हो जाना। और दोस्तों, 8:30 बजे से और शाम को 6:30 बजे तक अच्छे से दिल से काम करना, फेरी हो या कोई भी काम हो दिल से काम करना। और दोस्तों, फेरी पर से आने के बाद 6:30 बजे आना है तो आधा घंटा रेस्ट इधर उधर रेस्ट करना है। और 7 बजे से 9:30 बजे तक ऑनलाइन होना, ऑनलाइन में आप लोग वीडियो वीडियो कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन ये मेरा प्लान है तो मैं वीडियो एडिटिंग करूँगा 9 से 9:30 बजे तक। और 9:30 बजे से 10 बजे तक थोड़ा सा रेस्ट लूँगा, इधर उधर करूँगा। उसके बाद में रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक स्लीपिंग, सो जाना। दोस्तों, कौन सा मनी किधर जा रहा है इसका भी ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, हमारा मनी मैनेजमेंट क्या है वो आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। प्रतिदिन सेलिंग का 25%, जैसे 2000 का सेलिंग हुआ तो 25% 500 रुपये उसको साइड करना है और उस कमाई में से 10% निवेश के लिए, 10% सेविंग के लिए और 20% जरूरी खर्चा के लिए और जो बचा 60% उसको कर्ज चुकाने के लिए, क्योंकि कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है तो कर्ज भी चुकाना बहुत ही ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, कर्जा मैं लिया हूँ, लोन मैं लिया हूँ तो चुकाना तो मेरे को ही पड़ेगा, घर वाले तो ही ना चुकाने आएंगे। तो मेरा भरम था कि घर वाले चुकाएंगे, इस वजह से मात्र कितना 10-20 हज़ार था, इससे होकर के 1.5-2 लाख हो गया। दोस्तों, मुझे इतना तो विश्वास जरूर है खुद पर और उस ऊपर वाले पर, ईश्वर पर, कि जिस तरह से, जिस प्रकार से मैं समय सेटिंग किया हूँ और मनी मैनेजमेंट का जो सेटिंग किया हूँ, उस हिसाब से अगर दिल से 100% काम किया तो ज़रूर ही सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और मैं लोन मुक्त हो जाऊँगा। और दोस्तों, ज़्यादा जोखिम लेने के लिए, ज़्यादा टेंशन ना लेने के लिए और ज़्यादा प्रेशर खुद पर ना आने के लिए, दोस्तों उधारी वाला काम जो है वो नहीं करना है, ना किसी को उधार देना है, ना किसी से उधार लेना है, कोई भी सामान ना उधारी पर खरीदना है, ना लोन लेकर और ना किसी से कर्ज लेकर। और दोस्तों, जब पैसा होगा तब खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे, पूरा क्लियर ओके रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, दूसरे से अगर उधार लेता हूँ तो उसको टेंशन रहेगा कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर मैं किसी को उधार देता हूँ तो मुझे टेंशन रहेगा कि मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
इसलिए उधारी वाला काम पूरा खत्म ही कर देता हूँ और पूरी तरह टेंशन मुक्त और पूरी तरह फ्रेश जीवन जीना स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग में कल सुबह। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहे, खुशियाँ बांटे और अपने अपने काम में व्यस्त रहे। बाय बाय।